क्या है? पेज थ्री अखबार का वो काला पेज है जिसमें रिच और फेमस लोगों के बारे में छपता है। मेरा नाम मणियासुर है। थिएटर में देखनी चाहिए आपको बच्चन पांडे, क्या फुल पैसा वसूल होगी या पछताएंगे आप? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राड स्टूडियोज, मैं सोनिका जैन। दोस्तों, बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार और कृति सेनन स्टारर फिल्म बच्चन पांडे 18 मार्च होली के दिन धमाका करने को तैयार है। सुपरस्टार अक्षय कुमार जमकर इन दिनों इस फिल्म का प्रमोशन कर रहे हैं। साथ ही अदाकारा कृति सेनन और अरशद वारसी भी फिल्म के प्रमोशन में जी जान से जुटे हुए हैं। इधर इस फिल्म के थिएटर पहुंचने से पहले ही फिल्म का पहला रिव्यू सामने आ चुका है। सामने आए फर्स्ट रिव्यू की माने तो बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार और कृति सेनन की ये फिल्म होली के मौके पर सिल्वर स्क्रीन पर धमाका ही मचाएगी। फिल्म स्टार अक्षय कुमार कृति सेनन की फिल्म बच्चन पांडे एक मास एंटरटेनर फिल्म है जिसमें अक्की खोखार विलन के रोल में दिखने वाले हैं। फिल्म में कृति सेनन एक जर्नलिस्ट बनी हुई है। फिल्म का दमदार ट्रेलर तो पहले ही दर्शकों का दिल जीत चुका है। रिलीज से चंद दिन पहले इस फिल्म को जाने माने पत्रकार और ओवरसीज सेंसर बोर्ड के मेंबर उमेर संधु ने भी इस फिल्म को सेंसर स्क्रीनिंग के दौरान देख लिया है, जिसके बाद उन्होंने फिल्म का पहला रिव्यू हमने सोशल मीडिया हैंडल पर इंस्टा पर शेयर किया है। उमेर संधु ने फिल्म का पहला रिव्यू शेयर करते हुए लिखा, बच्चन पांडे की सेंसर स्क्रीनिंग पूरी हो चुकी है। कॉमेडी, डेडली स्टंट और रोमांस एक पूरी तरह से पावर पैक्ड मास एंटरटेनर। अक्षय कुमार ने तहलका मचा दिया। फिल्म पक्की तौर पर हिट है और आप देख सकते हैं किस तरह से उमेर संधु ने दिया है अपना एक वन वर्ड रिव्यू। वहीं आपको बता दें, इस फिल्म के निर्देशक हाउसफुल 4 फेम डायरेक्टर फराज सामजी है। इसी के साथ इस फिल्म में चौथी बार अक्षय और फराज साथ नजर आए। इससे पहले अक्की और फरहाद हाउसफुल 3, हाउसफुल 4 जैसी फिल्मों में काम कर चुके हैं। ऐसे में ये एक्टर और डायरेक्टर की जोड़ी इस बार सिल्वर स्क्रीन पर कितना कमाल दिखा पाएगी, ये तो आने वाला टाइम बताएगा। बॉक्स ऑफिस प्रोडक्शन की बात करें तो बहुत ही जल्द 100 करोड़ क्लब में शामिल होगी, ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है, और वीकेंड तक ये फिल्म तहलका मचा देगी। तो दोस्तों, कितना इंतज़ार है आपको बच्चन पांडे का? आपका गणित क्या कहता है, कितने करोड़ का कलेक्शन कर सकती है ये फिल्म, नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। और इसी तरह की दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज़ को।